75 एमएलए वाला विधायक विपक्ष जिसकी अपनी कोई औकात और वजूद नहीं, शहीद होकर राजनीति करता हो, सबसे ज्यादा मगध में वोट लिया और औकात नहीं हुई इतनी बड़ी घटना के बाद बेलागंज के थाना के आगे जाकर के बैठ जाए, हिम्मत नहीं हुई कि 75 एमएलए लेकर के बैठ जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जहां पर गरीबों का सबसे ज्यादा वोट मिला है, ना समझ जाहिल पॉलिटिशियन को जो पिता के शहीद पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है, ना एक बार पिता की चिंता, ना इस बिहार के किसी लोगों की चिंता, बस उसकी चिंता दुष्टता की, धूर्तई की, सिर्फ कुर्सी एंड कैन प्रकार कुर्सी और पैसा, एमएलसी से पैसा, हर एमएलसी के पैसा, ये हाल है। कल पूरे बिहार में दरभंगा और गया के मामले को लेकर के पुतला दहन था जिसमें नेता पदाधिकारी और जमीन माफिया बालू माफिया के नेक्सस कितने खतरनाक हो चुके हैं इस बिहार में, उसका जीता जागता उदाहरण मोरिया होटल के जन्म उत्सव एब्रॉड व्हाट्सएप कौन है हमको तो याद, ब्रॉडसन कौन माफिया सबका नाम है पता नहीं। मेरा सीधा आरोप है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष जिसमें आरजेडी और बीजेपी के लगभग 90% लोग और बाद में तीसरे पोदान पर जदयू, इन माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है। लगभग दल जमीन माफिया बालू माफिया और शराब माफियाओं के गलत धंधे से चलता है और परिवार, कल से परसों तक हम हाईकोर्ट जा रहे हैं इन दोनों घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए, और जज की मॉनिटरिंग में हो। खुद स्पीकर कह चुके हैं कि लखीसराय में जितने थाना प्रभारी थाना में पोस्टेड है वो सब के सब बालू माफिया हैं, खुद बयान है उनका, ओपन बयान है। यह बात संजय जायसवाल भी कह चुके हैं कि शराब बेचवाते हैं, यही बात छेदी पासवान और रूढ़ी भी बोल चुके हैं। जब सत्ता में डबल बड़ी भागीदारी केंद्र और बिहार में, और उन्हीं के लोग शराब बेचवाते हैं, शराब बनवाते हैं, और बालू में सबसे बड़ा, जमीन में सबसे बड़ा दरभंगा के जनप्रतिनिधि का हाथ हो, इतनी बड़ी घटना, तीन तीरे नरसंहार हो गए, वहां का विधायक एक बार भी उस परिवार से नहीं मिला, घर बर्बाद हो गया 2 लाख रुपया पप्पू यादव, उस परिवार की मदद की घोषणा की जिसकी, जहां हमने मदद उसकी शुरू कर दी, न्याय के लिए वो भीख मांग रहे हैं। इस केस को दबाने के लिए जनप्रतिनिधि और कुछ मंत्री लगे हुए हैं दरभंगा में, हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। गया के बालू, बिहार का पूरा बालू माफिया का नेक्सस लगभग ऐसा ही है, 3 घंटे तक औरतों को जबरदस्ती हाथ बांध के मुड़ी नीचा करके गुंडे गाली गलौज तक करते रहे। महिलाओं ने मुझसे कहा कि घर में ढुका वो क्रिमिनल था, एक भी मर्द गांव में नहीं था, भाग गया था, और उसके बाद लाठी से पीटना और छेड़खानी महिलाओं को करना। क्या अभी तक डीएसपी इंस्पेक्टर और थानेदार को बर्खास्त नहीं होना चाहिए? क्या उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं लगना चाहिए?
पूर्ण शर्मा और कौशल शर्मा पर अपराध का केस है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रात में राइफल लेके डेली धमकाया जा रहा है। कल गया बंद का ऐलान हम लोगों ने, हम और माले ने किया। सात तारीख को इस नेता अपराधी माफिया बालू और जमीन माफियाओं के नेक्सस को गांधी मैदान से राजभवन की ओर कूच करेंगे और नेता अपराधी माफियाओं के संपत्ति की जांच और अवैध बालू खनन पर रोक। उस गांव का गलत टेंडर इस साल हुआ पहली बार। गांव के लोग पानी से डूबने और खेती बर्बाद होने की आशंका के कारण बालू वहां से नहीं निकलने देने का निर्णय लिया है। सरकार पुनर्विचार करे, अन्यथा 23 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन उसी नदी में पप्पू यादव अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। अनिश्चितकालीन जितनी राइफल में गोली हो ये अपराधी मंगा ले वहां। मैं मरने की तैयारी से बैठूंगा। इन बालू माफिया नेताओं को के चरित्र को और इन दल के चरित्र को नंगा करना मेरा अब बिहार की आजादी की शुरुआत में मगध से ही करूंगा। नष्टो नाबूद बालू माफिया जमीन माफियाओं का संकल्प है मेरा, जब तक, क्योंकि राहुल का मर्डर जमीन, हर जगह मर्डर के पीछे जमीन, हर जगह हर शहर में बालू और शराब, इस तीन के अलावे दूसरा कोई मर्डर नहीं। पचहत्तर एमएलए वाला विधायक विपक्ष जिसकी अपनी कोई औकात और वजूद नहीं, शहीद होकर राजनीति करता हो, सबसे ज्यादा मगध में वोट लिया और औकात नहीं हुई इतनी बड़ी घटना के बाद बेलागंज के थाना के आगे जाकर के बैठ जाए, हिम्मत नहीं हुई कि 75 एमएलए लेकर के बैठ जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जहां पर गरीबों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। ना समझ जाहिल पॉलिटिशियन को जो पिता के शहीद पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है, ना एक बार पिता की चिंता, ना इस बिहार के किसी लोगों की चिंता, बस उसकी चिंता दुष्टता की, धूर्तई की, सिर्फ कुर्सी, एन के एन प्रकार कुर्सी और पैसा, एमएलसी से पैसा, हर एमएलसी के पैसा। ये हाल है। मैं धन्यवाद दूंगा माले के साथियों को जिन्होंने पप्पू यादव के बाद हिम्मत दिखाई। मैं अपील करता हूं कांग्रेस से कि लगातार बिहार की हालात पर आपको आगे आना चाहिए। दरभंगा और गया में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे दोनों की जांच आप या तो सीबीआई से कराएं या तो किसी वर्तमान न्यायाधीश से आप करवा दें और तत्काल जो जो लोग दरभंगा में इन्वॉल्व है पॉलिटिशियन उस पर एफआईआर हो और जो जो पदाधिकारी और गुंडे गया में इन्वॉल्व हो उस पर बर्खास्त हो और उस पर एफआईआर लॉज हो। उस गांव की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था और अविलंब उन महिलाओं को केस विथड्रॉ किया जाए और जेल से निकाला जाए, क्योंकि दो नाबालिग बच्ची हैं जिसकी शादी अगले साल होनी है। आज तक के इतिहास में नाबालिग बच्ची भारत में
मुझे नहीं लगता कि जेल इस तरीके से भेजा गया होगा। लगभग पूरा बिहार इन तीनों धंधे में ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। एक बार भी आरजेडी का सुप्रीमो इस पर कुछ ट्वीट नहीं किया, जैसे युवा छात्रों पर लाठी चली ट्वीट नहीं हुआ, दरभंगा पर इतनी बड़ी घटना घटी ट्वीट नहीं हुआ, क्योंकि उनके लोग इन्वॉल्व हैं। इसीलिए लगातार इस बिहार की स्थिति पॉलिटिकल और मर्डर और माफियाओं का एक छत्र राज जो एमएलसी में भी देखने को मिल रहा है, यह बिहार के लोकतंत्र के लिए और संविधान और कानून के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए हम इन माफियाओं के नेक्सस के खिलाफ सड़क से संसद तक, जमीन से आकाश तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। मेरा संकल्प है, कुछ पूछना तो पूछ। पप्पू जी, दरभंगा की आपने बात कही तो कौन से राजनेता इसमें शामिल हैं? सब मत पूछिए डॉक्टर, इसमें शामिल है। दरभंगा का 1.5 कट्ठा 2 कट्ठे जमीन का मामला नहीं है, पीछे में 12 बीघा जमीन है जो 400 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। इसमें राज महाराज दरभंगा महाराज के नकली रिश्तेदार बन के जो शायद अमेरिका भाग गए हैं कि भागने की तैयारी में है, वो भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है। और इन लोगों को, डॉक्टर और शिव कुमार झा को लगातार प्रोटेक्शन मिल रहा है मंत्री और विधायकों का। संजय सराबी का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। सर मैंने आपको पहले कहा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि लगभग विधायक मंत्री और एमपी जमीन और बालू में इन्वॉल्व है। क्या सर लगभग और अकूट करोड़ों अरबों रुपया दरभंगा के कई विधायकों के पास है, हम उसकी ईडी की जांच करना चाहते हैं। दरभंगा के लगभग विधायकों की ईडी की संपत्ति की जांच हम चाहते हैं। राजभवन तक पहुंच पाइएगा सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोग दिया जाएगा। सर मैं कानून का विरोध नहीं करूंगा, जहां रुकेगा रोकेंगे, लेकिन वहीं बैठेंगे। जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, गोली खाएंगे, हमारे तरफ से कोई प्रतिकार नहीं होगा। सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया है रामसूरत राय पर कि बालू माफिया जमीन माफिया से मिले हुए हैं। सर सुरेश शर्मा जी तो बीजेपी के हैं ना, तो उनको बर्खास्त करवा दीजिए। बीजेपी का ही तो सब कायर कमजोर और लाचार और मजबूर आदमी रो रहा है, स्पीकर को तो एक पल भी नहीं रहने का राइट है, रिजाइन कर ले लें। तो ये रामसूरत राय जी गोरख धंधा कर रहे हैं, तो ये राम सुरेश शर्मा जी प्रधानमंत्री को बता दें। हम क्या बोलेंगे, खुद वही लोग बोल रहे हैं। हम जो बात बालू की बोल रहे हैं पदाधिकारी की, वो बात स्पीकर बोल रहे हैं, वो बात संजय जसवाल बोल रहे हैं, वो बात छेदी पासवान बोल रहे हैं, वो बात रूढ़ी बोल रहे हैं, वो बात सुरेश शर्मा बोल रहे हैं। इसमें हाथ अंगन कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, इसमें मेरा तो कुछ है नहीं। जब वो बोल रहा है तो वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे और इंक्वायरी कराए, उनकी जांच कराए। और कुछ अनिश्चितकालीन सर अनशन पे बैठिएगा, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हटा दिया जाएगा। सर मैंने कहा कि यदि बालू की ढुआई राइफल के नोक पर हुई तो 23 तारीख के बाद उसी नदी में टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। अरे एक सवाल इससे हट के है कि वो झारखंड में जो अभी चल रहा